जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं वर्चुअल ना। दोस्तों अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के यहां पे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में पड़े इस बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री है और आपको बेल आइकन बजाने के साथ दोस्तों मेरी सभी वीडियोज का नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका एडसेंस का अकाउंट डिलीट हो चुका है। मैं बता दिखा देता हूँ दोस्तों, जिनका एडसेंस का अकाउंट दोस्तों सस्पेंड हो चुका है, जिनका दोस्तों जो एडमोब का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, किसी का प्ले स्टोर ही सस्पेंड हो चुका है। दोस्तों क्या करें, क्या गलतियां कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या है इसका कारण, सबसे मेन कारण क्या है दोस्तों, मैं सब बता देता हूं दोस्तों। एक दोस्त है मेरे, उनका दोस्तों मैंने एक स्क्रीनशॉट मंगाया था उनका दोस्तों, जो है ये आप देख सकते हो, अनेबल टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट इफ यू हैव बीन रीडायरेक्ट टू दिस पेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट मे मीन्स योर एक्सेस प्रोडक्ट हैज बीन सस्पेंडेड। दोस्तों तो इनका मैंने जहां तक देखा है, जो इन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी तो मैंने देखी है दोस्तों, इन्होंने जो है यूट्यूब का वो बना रखा था कि यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करिए, इन्होंने ये एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पर डाली थी। तो दोस्तों ये भी एक कारण है, आप बड़े प्लेटफॉर्म का कोई भी चीज ना बनाए, मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है। जो भी बड़ा प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, दोस्तों इन चीजें की साइटों का ऐप ना बनाए, क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है दोस्तों। आप गूगल से कैसे टक्कर ले सकते हो, आप ये बताइए। एक सबसे बड़ी मेन बात ये, आप गूगल से टक्कर ले कैसे सकते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, आप खुद बताओ कि गूगल से आप टक्कर कैसे ले सकते हो। दोस्तों वो गूगल है, वो सबको देखता है। एक दोस्तों मैंने देखा है जिनके दोस्तों जो है एडमोब के अकाउंट्स और एडसेंस के अकाउंट्स सस्पेंड हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उन्होंने वीपीएन यूज कर रखा है। दोस्तों वीपीएन क्या है, क्या वीपीएन, वीपीएन किसने लॉन्च किया, किसने अप्रूवल दी वीपीएन को, दोस्तों गूगल ने तो अप्रूवल दी होगी, गूगल को ही तो पता होगा दोस्तों वीपीएन के बारे में भी, बिना गूगल के तो वीपीएन भी लॉन्च नहीं हुआ होगा। दोस्तों आप दिमाग से लगाने वाली बात है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, गूगल ने वीपीएन को दे रखा है दोस्तों, तो गूगल को ही तो पता है वीपीएन के बारे में, गूगल को तो पता है क्या उसके बेनिफिट्स और क्या उसके नुकसान है। तो दोस्तों एक बात ये भी है, आप चलो मोबाइल से कर रहे हो तो क्या आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं होता आपका, ये एक बात समझने की बात है। आप फिलहाल तो आप कर रहे हो इंडिया से, तुरंत आपने वीपीएन से कनेक्ट करके यूएस से कर दिया, तो एक सेकंड के अंदर अंदर आपका मोबाइल पहुंच गया यूएस में, क्या गूगल को खबर नहीं है, क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होगी, कनेक्शन नहीं टूटे होंगे, आप खुद समझने वाली बात है दोस्तों। आप गूगल से टक्कर नहीं ले सकते, जिसने गूगल, दोस्तों गूगल जो पूरी दुनिया पे दोस्तों जो है कायम हो चुका है, गूगल से टक्कर नहीं ले सकते, मैं फिर बता रहा हूँ। ना तो ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो गूगल से टक्कर ले रही हो, जो सिक्योर कनेक्शन हो, जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब का ऊपर ये सिक्योर लिखा रहा है, सिक्योर कनेक्शन दोस्तों, अगर इस चीज का आप बनाओगे आपका ऐप जल्दी पकड़ा जाएगा दोस्तों, एडमोब का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, गूगल का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाएगा दोस्तों, जो है प्ले स्टोर भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी इन चीजों का यूज ना करें, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, सभी मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं, तीन बार चार बार दोस्तों दिन में चार चार कुछ पर फोन आ रहे हैं कि सर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, सर हमारा अकाउंट होल्ड पर चला गया। दोस्तों क्या बताऊं, मैं बताऊं, मैंने कई बार बताया, कई बार, कि अपने अकाउंट्स को सेफ रखो, कोई जल्दबाजी ना करो, कमाने की पैसा कमाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सोच रहे हो एक दिन में करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। वीपीएन से नहीं करो दोस्तों, बिल्कुल यूज ना करो वीपीएन से। मैं रियलिटी बताऊं, आज मेरे 16-17 एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पे, आपको भी पता होगा दोस्तों, एक भी उसमें से एक भी एप्लीकेशन मैं अपने मोबाइल में यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता, अगर मेरा आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया तो दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मैं बिल्कुल यूज नहीं करता अपने आईपी एड्रेस को, आपको मैंने पहले ही बताया था, मैं बिल्कुल नहीं यूज करता अपने एप्लीकेशन को। टेस्टिंग के दौरान यूज कर लो, पर एक बार आपने अगर प्ले स्टोर पर अपलोड कर दी तो अपनी एप्लीकेशन को यूज ना करो। अपनी एप्लीकेशन को यूज करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारी जरूरत की है तो यूज ना करो, उस पर क्लिक ना करो उस एडवर्टाइजमेंट में। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे एप्लीकेशन क्यों यूज ना करें, दोस्तों एडवर्टाइजमेंट क्लिक ना करो, क्योंकि अपनी एप्लीकेशन जब अपने मोबाइल में हम डालते हैं तो जानबूझ कर हम क्लिक करते हैं कि हमारी अर्निंग होगी, ना करो दोस्तों ना करो। मैंने कई बार कहा है सबके, इस टाइम दोस्तों जो है सबके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं दोस्तों मैं बता देता हूँ, एडमोब से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा एडसेंस को, क्यों, 26 तारीख 27 तारीख से 1-2 तारीख तक का जो दो ट्रांजेक्शन होती है ना, लाखों करोड़ों लोग है दोस्तों एडमोब पे भी, लाखों करोड़ों लोगों की ट्रांजेक्शन होती है एडमोब से एडसेंस की तरफ को, तो दोस्तों सब पे नजर रखी जाती है। तो इसने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली, पिछले महीने तो इसके थे टोटल $10 और अब की बार हो गए इसके $500, वो कैसे हो, इनकी तरक्की देखी जाती है दोस्तों, इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता कोई भी, तो इसलिए सारी चीज ट्रेस की जाती है, तभी अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं। और दोस्तों फिर दिक्कत आती है एडसेंस से बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने की, वो स्टार्टिंग होती है 16 तारीख से 20-21 तारीख तक का ट्रांसफर करते हैं एडसेंस, वो एडसेंस भी देखती है कि पिछले महीने तो इसके 10 ही थे,
डॉलर अब की बार 300-400 डॉलर कैसे हो गए दोस्तों। बिल्कुल ना करो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, एकदम से पार्ट पे चढ़ोगे दोस्तों गिरने का खतरा है 101%। तो दोस्तों लास्ट में आके मैं ये कह रहा हूँ, तो बड़ी कंपनी का नाम यूज मत करो, अगर अपनी ही कोई साइट है उसका ही बना के दो ऐप अगर आपको बनाना है, क्योंकि दोस्तों सस्पेंड हो चुके हैं आपको पता होगा ट्यूबमेट और दोस्तों विडमेट। विडमेट है जो पुराना है दोस्तों, जो वीडियो डाउनलोड करता है वो क्यों नहीं प्ले स्टोर पर पब्लिश हो रहा, उनका भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। विडमेट कितनी बड़ी कंपनी है, उनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था, तो आप तो उसके मुकाबले कहीं भी नहीं हो दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी बारे में कुछ और अधिक जानकारी लेनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे मोबाइल नंबर का, आप मेरे मोबाइल नंबर फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कोई पर्सनल जानकारी लेनी हो, ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।